अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है जिंदगी वही सफर नया। मैं हाजरा अजमल सलमा अजमल के साथ हमारे किचन में दोबारा वेलकम करते हैं। तो अभी अभी हमने अनबॉक्सिंग का वीडियो खत्म किया है। आई होप कि अनबॉक्सिंग का ही पहले जाएगा, जब तक ये वीडियो आएगा आपको वो मिलके रह जाएगा, है ना सलमा? यस, वो आप लोग देख लोगे। और जो अनबॉक्सिंग किए हैं आज हम उसी आइटम को एक यूज करके आपके सामने कुछ बना रही हैं सलमा। और कुछ खास स्पेशल नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ वेरी स्पेशल है ये हमारे लिए, क्योंकि हम हर रोज नहीं पीते। हम चाय का लाइक वी आर नॉट अ चाय पर्सन, ठीक है, हम चाय पीते नहीं है। हमारे घर में सिर्फ जो है अम्मी अब्बा दो ही लोग पीते हैं और बाकी के हम कोई बच्चे चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो कभी कभार हम कॉफ़ी पी लेते हैं, तो कॉफ़ी में हम बहुत स्पेशल कॉफ़ी बनाते हैं और स्पेशली अभी सलमा कुछ स्पेशल ही बनाएगी। तो सलमा कुछ कहना है कॉफ़ी के बारे में? हाँ, सिंपल रहेगी लेकिन उसका तरीका जो है यूनिक रहेगा, बहुत से लोग वैसा तरीका नहीं करते हैं। तो चलिए और कुछ कॉफीज मैंने पी भी हैं, सॉरी टू से दिस, लेकिन जहर लगती हैं पीने को। तो प्लीज जो है कॉफी का तरीका क्या होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे से ही सीखें, लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगी कि हमारे यहाँ बहुत बेस्ट कॉफी बनती है। अगर आपको मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मूड के मुताबिक अगर आपको हमारे यहाँ कॉफी मिल जाए तो आप जरूर तारीफ करके जाओगी। अगर मूड के मतलब मूड आउट है और हमें जिद किया जाए कि कॉफी बनाओ और गंदी वाली मिल जाए, और फिर भी इस वीडियो को देखकर आप बोलोगे तारीफ तो बहुत कर रहे थे, कॉफी तो उस लेवल की नहीं थी, ऐसे मत बोलिएगा। लेकिन जब भी हम अपने लिए बनाते हैं बेस्ट वाली बनाते हैं, अगेन द बेस्ट है। तो स्टार्ट करें सलमा, लेट्स। तो यहाँ देखिए हम मेरे लिए और सलमा के लिए कॉफी बन रही है। तो यहाँ पे सलमा ने सारी तैयारियां कर ली हैं। आप बस एक ही सैशे वाला, ये जो मिलता है ना 2 रुपए वाला, आप बस इसको इस्तेमाल करें, दैट इज मोर इनफ, है ना सलमा? दो मेंबर्स के लिए बना रहे हैं तो ये काफी है। हाँ, अगर तीन भी बना रहे हैं तो और एक जाएगी। हाँ हाँ, तीनों के लिए। तो अभी छोटी के लिए नहीं बना रही हो? ओके चलो, तो क्या करेंगे, चूल्हे को करेंगे ऑन, हमारा दूध ऐड करेंगे। इसमें हमने पानी कुछ नहीं ऐड किया है हाजिरा। yes. अभी जो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, सिर्फ थोड़ा। यस yes, हाँ जी, मुझे एक बात बतानी थी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अभी देखो सलमा कितनी डाल रही हो आप पानी, इतना सिर्फ। यस yes, देखा, प्लीज कॉफी को बेहतर बनाने के लिए दूध में पानी बिल्कुल उपयोग ना करें प्लीज। सिम पे ही दूध को उबालेंगे, जब तक उबाल नहीं आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिये दो मेंबर्स के लिए 2 टेबल स्पून हमने चीनी ली है, ठीक है, चीनी ऐड करेंगे, कॉफ़ी को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, ये जो दूध उबलने के लिए रखा है इससे थोड़ा जस्ट 3 से 4 ड्रॉप्स दूध ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे अच्छे से हम फेंटेंगे। जब तक हम कॉफ़ी का जब तक दूध उबाल नहीं आ जाएगा तब तक आपको क्या करना है, इसको अच्छे से फेंटना है। ओके, यही है बस हमारी सिंपल कॉफ़ी बस ऐसी बनाते हैं हम लोग। जब इसका मूड फेंटने का नहीं होता है तभी अच्छी नहीं बनती है, इसको जितना फेंटेंगे उतनी अच्छी कॉफी बनेगी। yes. और सलमान थोड़ी तारीफ करो कि मैं कितनी बेस्ट कॉफी बनाती हूँ। हाँ, हाजिरा भी मस्त बनाती, बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ मैं भी। और लेकिन पहले वाली चाय तो सच में मैं भी उतनी अच्छी नहीं बनाती हूँ जितनी हाजिरा। तो वो एक शेफ ने कह दिया जाता है। हाँ, शेफ ने कह दिया तो खत्म। वो एक एक्सक्यूज मिल जाता है मुझे, जब भी मुझे सुलेमानी चाय पीनी होती है मैं हाजिरा को बोल देती हूँ, हाजिरा तुमसे बेहतर कोई नहीं बनाता है घर पे, प्लीज आप ही बनाओ। यस, बहुत अच्छी बनाती हूँ तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँ, ठीक है। तो आप लोग पूछिए, जिन जिन को सुलेमानी चाय पसंद है प्लीज कमेंट में बताइए ताकि हाजिरा को थोड़ी एनर्जी आए और वो बनाए। श्योर श्योर, मैं तो रेडी हूँ, मुझे नहीं लगा कभी। हाँ, ये भी आइडिया अच्छा है, देखते हैं एक बार। हाँ ठीक है, और ये सलमा अभी कंटिन्यूस जब तक दूध भी अच्छे से मतलब उबलने आएगा, लेकिन फिर भी सलमा उसको क्या करेगी, सिम में रख के अच्छे से पकाएगी। और यहाँ पे कॉफी को बस फेंटते जाना है, फेंटते जाना है। अभी हम आपको फेंट के मिलते हैं, 5 मिनट फेंटोगी सलमा? जब तक उबाल नहीं आएगा आप इसको फेंटते ही रहना, क्योंकि यहाँ पे हमने सिम पे ही रखा है और ये इक्वेशन करेक्ट रहेगा। कितने लोगों ने डलगोना कॉफी पिया है तो पता है ना, डलगोना कॉफी में भी फेंटो 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 तो वो हो गई, वो कोल्ड कॉफी टाइप हो गई, और ये आपको हॉट कॉफी, हॉट, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसका। और हाजिरा आज हम मतलब डिनर जो बनाएंगे उसका व्लॉग बना लेते हैं, ताकि जो क्योंकि दो सब्जी बना रही हूँ मैं रोटी के साथ, तो चलिए उसका भी व्लॉग कर लेते हैं। कूल, आज हमारा एक दिन में 3 वीडियो बन गए, थैंक गॉड। ओके ठीक है, तो शाम का डिनर जो है मैं परसों डालूंगी, आज कॉफी का आप देती। तो सलमा मिलते हैं 5 मिनट बाद। ठीक है चलिए, 5 मिनट बाद। और यहाँ पे उबाल आ रहा है हाजिरा, और यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी हमारी
ऐसी रहेगी। ओके मुझे ब्यूटीफुल पार्ट ये लगता है आजरा, जब हम कॉफी को कॉफी किसके अंदर जब मिल्क पोर करते हैं जो ऊपर जो लेयर बनता है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है स्पेशली मुझे। सब इसीलिए तो जाते हैं स्टारबक्स एंड ऑल। ओह माय गॉड। और ये कल का वीडियो जिस किसी ने भी नहीं देखा हो मैं लिंक लगा दूंगी, प्लीज देखना। प्राइस वाइज लिंक सारा ब्यूटीफुल एंड लवली मैंने बताया ही है। आज आप फील करोगे कि क्यों हाजिरा बोल रही थी कि इसमें समथिंग स्पेशल आपको दिखेगा। हाँ यस। और एक बात बताओ गाइस, आप लोग स्टारबक्स जाके कितने लोग हैरान परेशान रह गए कॉफी पी के। रिमेम्बर सलमा, हमारी कॉलेज डेज में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया टाइप हम निकल गए स्टारबक्स में कॉफी पीने के लिए। जाके देखते हैं एक कॉफी वहां पे ऑर्डर करते हैं 280 रुपीज। और 280, अल्लाह 280 की कोई कोल्ड कॉफी, हम दंग रह गए। लेकिन इज्जत का सवाल था, 280 पे किया फिर वापस आ गए। लेकिन आज लेकिन आज भी जो है मतलब जब आपके पास पैसा होता है कमाई होती है फिर भी कहीं होता है कि 280 रुपीज क्यों कॉफी के लिए। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी, वहां का आपको वाइब्स एम्बियंस वहां का जो एनवायरनमेंट होता है वो एंजॉय करने के लिए ऐसी सब जगहें जानी ही पड़ती हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स तो जाते ही जाते हैं। यस हाँ, जाते ही जाते हैं। तो ये एक था। लेकिन हमारे शिमोगा में अभी स्टारबक्स नहीं आया है तो देखते हैं, कैफे डे आया है। हाँ कैफे डे है तो वहाँ पे भी एक दिन जाएंगे। ठीक है चलिए। हाँ एक मिनट, जैसे उबाला है हमने एक मिनट उसको पकाया है, अभी क्या करेंगे चूल्हे को करेंगे बंद और इसमें ऐड करेंगे। ये क्लोजअप से लीजिए हाजिरा, जो ये ऊपर आता है ना ये वाला, हाँ मस्त लगता है मुझे। तो अच्छे से हिला लेंगे, अगर स्ट्रांग चाहिए तो और हाफ पैकेट आप ऐड कर सकते हैं। ओके तो आउटसाइड हाजिरा इसको एंजॉय करें। यस चलिए टेरेस पे चलते हैं। हाँ ये तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं टेरेस पे। गए हैं हमारे टेरेस पे, ठंडी ठंडी हवाएं विद दिस गर्म गर्म कॉफी, सॉरी कॉफी। सलमा चाय मूड में है तो सलमा टेक दिस ऑफ। यस चलिए। ओके तो पी के बताते हैं कि कैसी बनी है सलमा। और पता नहीं लोग गरम गरम कैसे मुंह लगा देते हैं, आई रियली कांट, मतलब हो ही नहीं सकता है। मैं 5 मिनट इसको पहले ठंडे के लिए छोड़ूंगी फिर मुंह पे लगा देती हूँ। ठंडी हो गई है। परफेक्ट। और जिंदगी में जो दिन भर की थकावट होती है आराम से, और बारिश के मौसम में इसके साथ पकौड़ी है ना, सर मैं बना दी थी, याद क्यों दिलाया। बहुत अच्छी बनी है। माइंड को जो एक खोना होता है ना, जैसे हम हमेशा कोल्ड ड्रिंक के बारे में बोलते हैं रिफ्रेशमेंट का, नहीं कॉफ़ी भी आपको सेम, और जब आप स्ट्रेस्ड हो या फिर टेंस्ड हो तो ये काम बहुत अच्छे से कर देती है ना शर्मा। यस yes, और स्पेशली अपनी बैकग्राउंड दिखा दीजिए। एक मिनट ये देखें, बादल घने घने मौसम माशाल्लाह, यहाँ पे तो क्या मस्त लग रहा है नज़ारा। तो इस मौसम में कॉफ़ी बनती ही है, इसीलिए बोलते हैं अल्लाह के नज़ारे बहुत आला नज़ारे। मेरे शजर क्या मेरी फज्र क्या कुछ है ना। यस इसका शेर है हाजिरा, हाजिरा का ज़रूर आएगा जल्दी, देखना वेट करिए। हाँ, अच्छा है, तो बहुत अच्छी है। मैंने सुनाया नहीं था क्या? नहीं। ठीक है मैं अपलोड करूँगी, ठीक है ना। ओके क्योंकि शायर को बहुत सारे अपने याद नहीं रहते। और हमारे फैंस देखो, ऐसे फैंस किसके हैं आजरा। एनीवे कोई कैजुअली पूछी कि किसका शेर है क्योंकि लाइन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वेरी बैड। ठीक है कोई नहीं, आप लोग तो मेरे अच्छे फैंस बन जाओ, ठीक है ना। जल्दी जल्दी मैं और ज्यादा इम्प्रोवाइज करके अपने, आई डोंट थिंक सो, वरना मैं ही पूछती कि किसका शेर था, है ना गाइस, एम आई करेक्ट। ओके तो कोई नहीं, हम हमारे इस प्यारे से अपने टेरेस पे इसको एंजॉय करके इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यस प्लीज गाइस वीडियो को एंड तक देखें और ढेर सारा आप
अपना प्यार जो है हम पर शावर करें। आप भी जो है इसी तरह की कुछ भी, वो चाहे ठंडा हो गर्म हो कुछ भी, बस एंजॉय करें और लाइफ को बिजी रखें, टेंशन में बिजी ना रखें, कुछ इस तरह से अलग 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 से करके छोटी छोटी चीजों से एंजॉय करें खुशियाँ। हाँ, टेंशन तो किस घर में नहीं होते हैं। अभी आप मुझे ही ले लेंगे तो हजारों होंगी, लेकिन नहीं, हमारा आज फोकस क्या है कि यूट्यूब पे हमें वीडियो डालना है और यस वीडियो डालना है और उसमें सफलता पानी है, वो होनी नहीं होनी है, अल्लाह के ऊपर सौंप देते हैं। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सलमा हाउ इज इट? सलमा ने ऑलमोस्ट खत्म कर दी, मेरी अभी बाकी है, चलिए बाय।